देखो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 17, एक बार मैं क्वेश्चन 17 रीड कर देता हूं और इसके समरी बना लेता हूं है क्या। कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इसके पहले वाली क्लासेस मैंने सेंड कर दिया है आप सबको, जिस बच्चे ने देखा होगा, नहीं तो फिर आप वहां पे साइट पे जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, वो लास्ट क्लास मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया था। 17 क्वेश्चन में कहता है ए लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंस, ए लिमिटेड का कुछ बैलेंसेस है, ध्यान देना बैलेंस, बैलेंस का मतलब न्यू मशीनरी नहीं है, ये पुरानी मशीनरी है। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1st अप्रैल 2017, इसका मतलब ए लिमिटेड के पास बैलेंस है 1/4/17 में। नाउ बैलेंस लिखूंगा मैं इसको, और अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपए का, अमाउंट गिवन है 2 लाख का। इसके बाद आगे देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जो 2 लाख रुपए दे रखा है और नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी देता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या 2 लाख रुपए में डेप्रिसिएशन माइनस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिया है। तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लेता हूं, ये भी इसी डेट का है 1/4/2017 में, मैं लिख रहा हूं इसको प्रोविजन का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस, प्रोविजन का सिंपल लिख देता हूं अमाउंट है 90,000, यहां तक बड़ा ही सिंपल। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, द कंपनी डिसाइडेड चार्ज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड यानी फर्स्ट SLM मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। इसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर के ऑन 1st अक्टूबर 2017 यानी 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया, 1st अप्रैल 2017 यानी कुछ मिड की बात कर रहा है, 1st अक्टूबर 2017 में हुआ क्या, हुआ ये कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1st जुलाई 2014 ₹40,000, कोई मशीनरी मैंने खरीदा होगा, लेकिन मैंने खरीदा कब था, 1 जुलाई 2014 में, और उसको मैंने बेच दिया 40,000 का खरीद के बेच दिया 18,400 में। इसका मतलब मैं पहले से इसका पार्टीशन कर लेता हूं, इसके अंदर 2 पार्टीशन हो गए हमारे, 1 पार्टीशन हो गया 40,000 का और 1 पार्टीशन हो गया हमारा, माइनस कर दो 2 लाख में से, और लेकिन इसका डेट है 1/7/2014। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, काफी सारे बच्चों के माइंड में डाउट हो सकता है, सर ऊपर कुछ और डेट लिखते हो, यहां कुछ और डेट लिखते हो, ये डेट तो मैंने बैलेंस का बताया और ये डेट बाइंग का डेट है, ठीक है, इसमें फर्क है। ये डेट करके मैं ऐसा क्यों करता हूं, ताकि मैं इजीली प्रॉफिट या लॉस और टोटल डेप उसका मैं निकाल पाऊं। आगे फर्दर कंटिन्यू में कहता है इसको बेचा है कितने का, 18,400 रुपए में इसको सोल्ड कर दिया, किस डेट पे बेचा, मैं यहां पे डेट भी मेंशन कर देता हूं, इसको 1/10/2017 में सोल्ड कराए कितने का, 18,000। जैसे ये डेट आएगा मेरे पास, मैं अलर्ट हो जाऊंगा और मैं इसको सोल्ड कर दूंगा, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है ये आगे चार्ज CGST SGST 6%, मैंने पहले ही बताया CGST SGST का यहां पे कोई काम GST का है नहीं, ईच एंड द ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर 2017 को, ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट वॉज परचेज ₹1 लाख यानी एक प्लांट और खरीद लिया, मैं इधर लिख देता हूं, एक प्लांट और खरीद लिया, कब खरीदा, 1/10/17 में, कितने का खरीदा,
1 लाख रुपए का। मैं क्या इसको नाम दे दूं M2, M3, कुछ भी, या नाम ही नहीं देते क्योंकि ये बैलेंस ही हमारा सारा। आगे कहता है क्वेश्चन में के प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इस वाले क्वेश्चन में 1 साल का ही जनरली बोल रहा है, बाकी पुराने जितने क्वेश्चन थे उसमें कितने कितने साल का डिमांड करता था, 2 साल 3 साल, इसमें 1 साल का ही है। क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है। हमने एक मशीनरी, पहले मेरे पास बैलेंस था और बैलेंस कितने का था मेरे पास 1/4/2017 में 2 लाख रुपए का, उसमें से एक पार्ट जिसको खरीदा था 2014 में बेच दिया 17 में 18,400, और उसी दिन मतलब इस दिन एक न्यू मशीनरी मैंने खरीद लिया। क्लियर नाउ। अब पोस्टिंग, पहले कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में देखा जाए तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31/3/15, 6 महीने या 9 मंथ का, 9 महीने का। रेट 10% है और कौन सा मेथड है, SLM। तो 9 मंथ का अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा हमारा, 3,000। ये लो, ये आ गया मेरा 20 37। ये डेटेड है 1/4। अब डेप्रिसिएशन फिर लगा होगा 31/3। अब SLM है क्योंकि, इसलिए 4,000। WDV होता तो 3,700 लगाता मैं, 33,000। 1/4/2016। अब डेप्रिसिएशन 31/3/2017 फिर से लगेगा 4,000। नाउ बैलेंस विल बी 29,000। ये डेटेड 1/4/2017। 1/10 को बेच ही दिया तो मैं 30 सितंबर तक का डेप लगा दूं, और डेप्रिसिएशन कितना आएगा 6 महीने का, जो कि मेरे हिसाब से 2,000। बचा मेरा 27,000। नाउ मैंने इसको बेच दिया और कितने का मैंने बेचा इसे, 18,400। बैंक से सोल्ड 18,000, तो मेरे हिसाब से लॉस आ गया यहां कितने का, ये लो हमारा लॉस आ गया 8,600 रुपए का। क्लियर है यहां तक? इस वाले पार्ट पे तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये बैलेंस है। अब मैं सिंपल वर्ड में जानना चाहता हूं, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं ताकि क्लियर रहे आपको। 1/4/2017, 1/4/2017, एंड ये है हमारा प्रोविजन 90,000। चलो अब क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जो मशीनरी बिक गया है उस मशीनरी का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं, जो मशीनरी बिक रहा है उस मशीनरी का मुझे टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन 1/4/2017 तक का, सिर्फ फिलहाल के लिए जो मशीनरी बिकने वाला है उसका मुझे डेप्रिसिएशन बता दो 1/4/2017 तक का। वैसे उस पे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उस पे लगा कब तक का डेप है, 30/9/17 तक, लेकिन मैं 30/9/17 तक का फिलहाल नहीं पूछ रहा, मैं कब तक का पूछ रहा हूं। तो 1/4/17 तक की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये रहा 3,000। नाउ 4,000, फिर से एक ये भी है, बस ये वाला भी ले ले, ये तो आगे आ जाएगा, तो 8 और 3, तो ये 90,000 में कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन इसका भी जुड़ा हुआ है या नहीं है, और कुछ पार्ट इसका भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि 90,000 में इस वाले का पार्ट कितना है, इस वाले का पार्ट। मेरा आंसर 11,000 होना चाहिए या 13,000? 11,000। कुछ बच्चे 13 भी सोच रहे होंगे, 13,000 क्यों नहीं है, मैं उसका जवाब देता हूं। 13,000 इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेट देखो, इस वाले का मतलब है पुराने मशीनरी का इकट्ठा होके डेप्रिसिएशन, लेकिन कौन से तारीख तक का इकट्ठा हुआ है, 1/4। लेकिन अगर मैं ये 2,000 जोड़ दूं तो ये तो 30/9/2017 का आ जाएगा, जो उससे आगे, क्या वो जुड़ा होगा उसमें,
नहीं जुड़ा होगा, इसलिए मैं इसके पार्टीशन, देखो ये बस बताने वाली बात है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपको क्लियरिटी हो थोड़ा। तो मैं बोल सकता हूं भाई 11,000 इस वाले का है, बाकी रिमेनिंग बच गया 70, वो किस पे होगा, वो किस पे होगा बताओ, इस वाले का, इस वाले पार्ट का होगा। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है एसएलएम मेथड चल रहा है तो इस वाले का डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होगा या नहीं होगा? अब मुझे करंट ईयर का डेट बता दो क्या है, 31/3/18 2000 करंट ईयर तो यही है। तो एसएलएम है तो एसएलएम किसके ऊपर चार्ज होता है बताओ, कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू? और कॉस्ट प्राइस मेरा तो चार्ज होगा तो क्या आएगा, 16,000। इसी में किसी को दिक्कत? मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनना, क्या ये 16,000 इस 90,000 में जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ये तो करंट ईयर का है, अभी लगेगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बताना, अगर होता मेथड WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, क्या तब भी 16,000 लगता? नहीं, तब चेंज होता, क्योंकि WDV किस पे लगता है हमारा, बुक वैल्यू पे लगता है। तब कितना होता है? सोच के बताओ जरा, यानी 1,60,000 में से पहले मुझे क्या माइनस करना पड़ता, डेप्रिसिएशन जो उसका है, डेप्रिसिएशन जो टोटल है वो डेप्रिसिएशन कितना है, यानी अगर WDV, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है मैं खुद बता रहा हूं, अगर WDV होता तो पहले मैं 79,000 माइनस करता, जो बैलेंस आता उसके ऊपर मैं 10% अप्लाई करता। पहले ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में WDV आ जाता है। क्लियर है? एसएलएम वाले में तो देखो मैं कुछ माइनस प्लस करता नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू हमें कॉस्ट प्राइस पे चाहिए और कॉस्ट प्राइस हमें स्टार्टिंग में ही पता होता है। लेकिन WDV में कॉस्ट प्राइस से काम नहीं चलेगा, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना है पता चलेगा तो फटाफट माइनस कर देंगे। इस वाले पार्टीशन का डेप्रिसिएशन देखो यहां पे मैंने निकाल के रख रखा है, क्योंकि जब 90,000 इस पूरे पे है, इस वाले पार्ट का मुझे पता चल गया तो बाकी किसका होगा, सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट का मेरा गया 79, जो भी आएगा बैलेंस वो लग जाएगा अगर WDV होता तो। SLM में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये करंट ईयर का 16,000। ये मशीनरी खरीदा है, इस पे डेप लगेगा 31/3/2000, 6 महीने का। लो जी, वर्किंग नोट हो गया हमारा कंप्लीट। अब पोस्टिंग करें, हर किसी को क्लियर है क्वेश्चन? अब पोस्टिंग करते हैं, चलो पोस्टिंग करते हैं। अब पोस्टिंग में 1/4/2017 मैं टू बैंक लिखूं या टू बैलेंस लिखूं? बैलेंस और BD, और बैलेंस BD कितने का, 2,00,000 का। अब क्या इस साल कोई मशीन, इसका भी बैलेंस लिख देते हैं, चलो कहां लिखे, टू में या बाय में? बाय में, क्योंकि लाइबिलिटी है। तो 1/4/17 में बाय बैलेंस CD और अमाउंट क्या लिखे, 90,000। CD BD आएगा, BD हाँ। अब मुझे बता दो क्या कोई और मशीनरी खरीदा है तो मैं उसकी एंट्री डाल ही देता हूं, खरीदा है बिल्कुल। अब उसके लिए क्या लिखें, उसके लिए बैंक, क्योंकि न्यू मशीनरी है, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं परचेज, आपकी इच्छा है लिखो चाहे मत लिखो ये वाली वर्ड। आगे कितने का, 1,00,000 का, समझ में आ रहा है? अब हमें डेप्रिसिएशन का काम करते हैं, डेप्रिसिएशन लगा दे। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन मैं लगा देता हूं 30/9 को, 30/9/17 कौन से वाला, जो पार्ट बिक गया बाय डेप्रिसिएशन, सोल्ड वाले ब्रैकेट में ये लो लिख देता हूं, जो मैं बेचूंगा उसके ऊपर कितना है, 2,000। ये वाला करंट ईयर का है तो ये तो करंट ईयर का ही बन रहा है, ये 2,000। इसके बाद 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन लगा देता हूं, जो बचा हुआ पार्ट है, जो बिका नहीं, रिमेनिंग कितने लगाऊंगा बताओ, उधर वाले पार्ट पे कितना लगाऊंगा, 16,000। समझ में आ रहा है 16,000 क्यों, करंट ईयर का डेप है। उसके बाद 31/3/18 में एक मशीनरी खरीदा है ना हमने बाय डेप्रिसिएशन, जो न्यू वाले मशीनरी की बात कर रहा हूं, उस पे कितना लगेगा,
5,000 सब पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मशीनरी बिका उसका अब टोटल डेप बताओ, टोटल का मतलब शुरू से लेके अब तक का कितना आएगा, 13,000। तो कैसे पता चला 11 और करंट ईयर का 2,000, नाव आ गया। ऐसा क्यों, टोटल क्यों पूछता हूं मैं हर बार, ताकि मैं इस अकाउंट में से उसको बाहर कर पाऊं। और बाहर किधर से करना है हमें, टू साइड से, और बाहर करके मुझे कहां भेजना है, कौन से अकाउंट में, मशीनरी। बस इतना काम हो जाता है इसके अंदर, तो काम खत्म। डेट है हमारा 1/10/2017 टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने रुपए, 13,000 अमाउंट, और ये आ जाएगा एक डेटेड 17 बाय, बताओ क्या नाम लिखूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम भी बताए किसी को याद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किसका, इस अकाउंट का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड, और यहां मैं लिखूंगा 13,000 नाउ। अब बेचने का काम करते हैं, मशीन का अभी बेचा तो है नहीं ना मैंने, बेचने का काम कौन से अकाउंट में करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। तो बेचते हैं, कब बेचेंगे, सेम डेट पे 1/10/17 में, बाय किससे बेचे, बाय बैंक से, ब्रैकेट में सोल्ड कर दिया, कितने का, 18,000, फिर से बाय हमें हो गया कितने का, 8,600, ये भी डेटेड सेम है, और कुछ तो नहीं रह गया, इसका बैलेंस सीडी करो, और बैलेंस सीडी आ गया 3,00,000, और ये भी आ गया 3,00,000, और बाय बैलेंस सीडी, चलो सीडी निकालते हैं, 2,60,000। अब देखो एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसमें टाइम कंज्यूमिंग, पता है मैं 2,60,000 कैसे निकालता हूं, बचा हुआ मशीनरी 1,60,000, नई वाली मशीनरी 2,00,000, दोनों को मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि ये बैलेंस किसका बताएगा, बचा हुआ मशीनरी, और डेप्रिसिएशन माइनस होके या बिना डेप्रिसिएशन के, बिना डेप्रिसिएशन, तो बिना डेप्रिसिएशन का कितना था, 1,60,000, और नई मशीनरी बिना डेप्रिसिएशन के कितने का है, 1,00,000 का, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, वो मैं सिंपल बैलेंस यहां लिख देता हूं। एग्जाम के अंदर क्विक कैलकुलेशन में मत उलझो, कहीं बच्चा एग्जाम में इसको फिर इसमें से ये माइनस, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। इसका बैलेंस अब शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे बताओ, इसका बैलेंस कोई बता सकता है, पहले टोटल कर लेते हैं, क्या आ गया टोटल, मैं वैसे ही टोटल कर लेता हूं नॉर्मली, 90,000 और 21,000 और 2,23,000, 1,13,000, 13,000। अब इसको नॉर्मली निकाल देते हैं, टू बैलेंस कितने आ गए, अब देखो शॉर्टकट बताऊं, ये मशीनरी किसका होगा जो बचा हुआ मशीनरी है, बचे हुए मशीनरी का एक तो 79, ठीक है, और एक 16 और एक 5, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1,00,000 रुपए आ जाएगा। बाकी आप वैसे, जिसको ऐसे समझ में आ गया वैसे निकाल लो, कोई जब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली करना है। इसका बैलेंस बीडी निकाल लें, किधर निकलेगा, डेट क्या, 31/3/18 और 1/4 बाय बैलेंस, नाउ अमाउंट इज, और ये आ जाएगा डेट तो इधर आएगा, 1/4/18 में टू बैलेंस और अमाउंट 2,00,000। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मशीनरी मेरे पास बचा हुआ है या नहीं है, कितने रुपए का बचा हुआ है, 260 का, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक लगा या नहीं लगा, 260 पे, क्या 260 पे अभी तक डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लगा, माइनस नहीं है उसमें से, लेकिन क्या लगा भी नहीं है, लगा हुआ है, कितना लग चुका है उस पर अभी तक, 1,00,000। मैं माइनस है उसमें और लगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातों में मैं बोलता हूं कि कितना लगा है, तो जी 1,00,000 रुपए लगा है, कितना माइनस है, नहीं है माइनस, क्योंकि माइनस तो किया नहीं,
मेरा सिंपल सा आंसर है, अगर मैं उस 2,60,000 रुपए की जो मशीनरी है उसको 1,00,000 रुपए में बेच दूं, तो मेरा नुकसान कितने का होगा या फायदा कितने का होगा? कितने का नुकसान होगा? 60,000 का, क्योंकि हम बेचने के लिए सबसे पहले क्या पता करेंगे, बुक वैल्यू माइनस करके। तो 2,60,000 में से 1,00,000 माइनस करोगे तो नाउ बैलेंस क्या आएगा? 1,00,000, और एक का बेच रहा हूं तो 60,000 का क्या आएगा? लॉस। ये जनरल क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूं। अब फटाफट से नोट करिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट करके खत्म करें इस चैप्टर को।